आवास विकास के ए ब्लॉक में हम इस समय खड़े हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है तकरीबन 20 लाख की चोरी इस मकान में हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि ये यहाँ से भी आ सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाएं कि इस बाउंड्री से भी चोर अंदर एंट्री कर सकते हैं और इस साइड में भी एक मकान खाली पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आने की संभावना जताई जा रही है। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से चोरों ने यहाँ के अंदर एंट्री की, ये देख सकते हैं। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर ताला लगा हुआ था जो कि बताया जा रहे थे बाहर गए थे विसर्जन के लिए, यहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। इस ताले को तोड़कर चोरों ने अंदर एंट्री की। यहाँ पर ये कमरा हुआ है पूरा, ये कमरे के अंदर ये पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से ये सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये कमरे का मेन दरवाज़ा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने जो है कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये ताले को तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि कैमरे में किस तरीके से ताले को तोड़ा गया। आपको हम अंदर भी लेकर चलते हैं किस तरीके से यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा हुआ, ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर सामान को बिखरा है। यहाँ पर ये लॉकर है, इस लॉकर के अंदर इनका जेवरात रखे हुए थे, केस रखा हुआ था, यहाँ से इसको तोड़ के निकाला गया। जो कि हम आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ पर इनका इस समय दिमाग नहीं काम कर रहा, चूँकि इतनी बड़ी चोरी, और इन्होंने पुलिस को भी हालांकि बताया, लेकिन पुलिस ने अभी इस पूरे मामला पर मुकदमा नहीं दर्ज किया है। जबकि यह पौश इलाका है और बिल्कुल सटा हुआ सीतापुर शहर कोतवाली से नज़दीकी है। लेकिन हमारे साथ ये हैं यहाँ के जो घर वाले, इनसे बात करते, ये बताइए कि आप लोग कहाँ गए थे और वहाँ यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ से जब वापस आइए। हमारे ससुर जी 16 तारीख को एक्सपायर हुए थे, हम उनके विसर्जन के लिए हरिद्वार गए हुए थे। संडे की रात में हम पहुँचे हैं यहाँ पे, तो हमने देखा बाहर ताला बंद था, तो मैंने ताला खोला, अंदर से कुंडी बंद थी। मैं बहुत घबरा गई, मैंने मोहल्ले में दो चार घर में बैल बजा के उनको सबको इकट्ठा करके उनको बुलाया। फिर मैं अंदर आई, मैंने देखा सारे ताले टूटे हुए हैं, मेरी अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है, सारे जेवर, सारा कैश मेरा सब जा चुका था। क्या क्या था जेवर में, कितना पैसा होगा? पैसा हमारा ससुर जी के इलाज के लिए मैंने 5 लाख रुपए निकलवाए थे उनकी अकाउंट से, वो रखा हुआ था। बाकी मेरे बच्चों का कैश था करीबन 1 लाख होगा, 6 लाख कैश था। बाकी जेवर में हमारा 3 मंगलसूत्र 4 मंगलसूत्र थे, और 2 कड़े थे हमारे चौड़े से अच्छे से, और 8-10 कान के थे, और वो अंगूठी थी। इस दौरान आप पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई अभी नहीं की उन्होंने। कोई एप्लीकेशन ली आपने? हाँ, एप्लीकेशन ली जी, एप्लीकेशन ली, रात में आए थे, फिर अभी सुबह से कोई नहीं आया, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ पर जांच करने भी नहीं आया, कोई नहीं आया, रात में आए थे, सुबह अभी कोई नहीं आया। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये आवाज़ विकास का ए ब्लॉक है, जो कि यहाँ पर 20 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पर चोरों ने अपने अंजाम दिया है घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस इसकी तहकीकात नहीं कर पा रही। समीर, सीतापुर।